मेरी बात सुनो, बोलिए बोलिए। और ये आशीर्वाद देता तुम्हें और रहो सदा खुश। हेलो, ये देखे आप आ गए धर्मेंद्र ठेकेदार साहब। धर्मेंद्र ठेकेदार साहब दौड़ीपुर की तरफ से, आप भैया के तरफ से शानदार 50 रुपए इनाम थे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, वंदन, अभिनंदन। क्या देख रहे हो, कुछ गुम हो गया? चौधरी साहब बोलो, आपकी बेटी चौधरी दिखा दे रही है। क्या सुल्तान सिंह, मैंने तुझे कई बार समझा दिया कि उस कमीनी का नाम मत लिया करो, लेकिन जब तुम राज दरबार में जाते हो तब उसी का नाम दोहराते हो। अरे हमारे दोस्त, वरना इस राज दरबार से तुझे बाहर निकाल। बोलो क्या कहना चाहते हो? आप क्या कह रहे हैं? वो हमारी बेटी ही है, आपकी बेटी है। मैं सब समझता हूँ, लेकिन इस तरह से तुम्हें नहीं कहना चाहिए। आप ही की बेटी को मैं पूछ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम तो लेकिन खैर बात छोड़ो, मैं आप दे रहा हूँ। ये देखिए सीन को देखते हुए, ये हमारे बाबू राज बहादुर ग्राम सभा ठकवा से चलकर आए हैं। शानदार 11 रुपए के पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से नमस्कार है भैया को। क्या दे रहे आप लोग? सुल्तान सिंह, हाँ चौधरी साहब, मेरी बात सुनो। बोलो बोलो। तो माफ कर दीजिए, मैंने सुल्तान सिंह माफ कर दी। ये सुल्तान सिंह जल्द जाओ चले अर्जुन के मकान, रूप यादे रहे तू लेके आओ अभी, वरना नीलाम कर देना उसका मकान। हेलो हेलो, ये देखिए आप आ गए श्रीमान धर्मेंद्र ठेकेदार डौड़ीपुर की तरफ से। आप सब के तरफ शानदार 50 रुपए इनायत हुए हैं। टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, वंदन, अभिनंदन। चौधरी साहब बोलिए, आपके कहने का मतलब है कि मैं इस समय अर्जुन के घर जाऊं? घर जाओ, उसके पास जाओ, 25,000 रुपए बाकी है, उसको लेके आओ। लेके आओ, अगर देता है तो देता है, नहीं तो अन्यथा अपना ताला उसके घर में लगा देना। ठीक है, आप जैसा करे मैं वैसा कर दिया हूँ। ठीक है, तुम तो खुद समझदार हो। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। बोले भाऊ जी, यही है मेरा दोस्त सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह हमारा दाहिना हाथ है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे वो करता है। देखो समय कम है, काम भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं भी चल रहा हूँ, महल में आराम करूंगा।
जब सुल्तान सिंह आएगा तो मुझे तत्काल खबर कर, ठीक है? चलिए समझे, मैं चला। भैया संगीत यही से मोड़ रही है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, क्या होने वाला उनके से। अरे बनैबा कहिया, हे बनैबा कहिया, हर सब कर बिगड़ी बनाया मोर बनैबा कहिया। जी हाँ साथियों, ड्रामे के मुताबिक मैं आप सभी आए हुए दर्शक बंधुओं के सन्मुख ये बात रखना चाहता हूं कि मैं कहां का रहने वाला हूं और कितने लोगों से बंधा हुआ है मेरा परिवार चल रहा है और मेरे परिवार की स्थिति क्या है। तो साथियों, ड्रामे के मुताबिक मैं जिला सीतापुर ग्राम अमरगढ़ का रहने वाला हूं, जिला सीतापुर ग्राम अमरगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम अर्जुन है, मेरा नाम अर्जुन है और मेरा एक छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई का नाम अमर है, मेरे छोटे भाई का नाम अमर है और मेरा भाई अमर आजकल पटना में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और अपने भाई अमर को डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाने के लिए 3 साल हो गए। मैं चौधरी यशवंत सिंह साहब से 25,000 रुपए कर्ज ले आया हूं और जिसके एवज में मेरा मकान और मेरा खेत चौधरी साहब के यहाँ गिरवी पड़ा हुआ है। हेलो, ये देखिए राज बहादुर ग्राम सभा ढकवा से चलकर आए हैं, इसे सबकर बिगड़ी बनाया मोर बनैबा कहिया, शानदार 10 रुपए के पुरस्कार देते हैं। ये हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया यो अभिनंदन और वंदन करते हैं। हाँ साथियों, और इसके बाद मेरी एक बहन है, मेरी बहन का नाम किरण है साथियों, लेकिन किरण मेरी अपनी सगी बहन नहीं है, किरण मेरी अपनी सगी बहन नहीं है, वो तो मेरे बाबूजी के एक दोस्त की बेटी है। मेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़ती हुए मुझसे बतलाई कि बेटा अर्जुन, इस किरण बेटी को कभी यह ना मालूम होने पाए ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है और हमारा परिवार किरण को इतना प्यार दे रहा है कि आज तक किरण को यह बात मालूम नहीं हुई, उसे कभी ऐसा लगा ही नहीं वो मेरी अपनी सगी बहन नहीं है। और मेरी पत्नी का नाम शोभावती है। यहां साथियों, ये 4 लोगों से बधा हुआ मेरा परिवार है और परेशानी का सबब यही है कि 3 साल गुजर गए, चौधरी साहब के रकम को मैं वापस नहीं कर सका, ना अपने घर और मकान, अपने मकान और खेत को मैं छुड़ा सका। कभी कभी रह रह के मेरे दिल में धड़कने बढ़ जाती हैं, कभी कभी सोच काफी हो जाती है और रात में नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता कि कभी चौधरी साहब अपने कारिंदे को अपने पैसे के लिए भेज दिए कि जाओ अर्जुन से मेरे पैसे मांग लाओ और वो अपना मकान और खेत छुड़ा ले, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, मेरी स्थिति बहुत नाजुक है, मेरे पास 1 पैसे नहीं है, यही सोचकर दिल बहुत घबरा रहा है। अरे भैया नमस्कार भैया। अरे रामचंद्र जी। हाँ भैया, मैं जब भी आपको देखता भैया, आप ठाकुर साहब के कर्ज के बारे में रात दिन सोचते रहते भैया। रामचंद्र जी। हाँ भैया, कर्ज तो कर्ज होता है जी भैया, जिस किसी का भी कर्ज हो
जिस किसी के भी ऊपर हो, तो जिसके ऊपर कर्ज होता है जहा भैया उसकी सोच तो बढ़ी ही रहेगी। और फिर मैं तो 25,000 रुपए का कर्ज बंधु रामचंद्र, 25,000 रुपए कोई थोड़ी रकम नहीं होती, नहीं भैया बहुत बड़ी रकम है। और कमाई मजदूरी दिन भर करता हूँ तो 100-150 रुपए मिल जाते हैं, और अपने भाई को फीस भेजूं, अपने घर परिवार का खर्च चलाऊं कि चौधरी साहब की रकम रिटर्न करूं, वापस करूं, ये सोचकर दिल बहुत घबरा रहा है। कही साहब आपके लिए पानी ले आऊं सरकार? इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं खाऊं पीऊंगा। मेरा अंडा पी लो रामचंद्र, तुम तो अनपढ़ गवार हो, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, इसीलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है, ज्यादा नहीं अगर 10-12 तक पढ़ लिए तो कम से कम बोलने का शऊर तो हो जाएगा। अब तुम ठहरे अनपढ़ गवार और ठाकुर साहब से तुम कह रहे हो कि मेरा अंडा पी लो। फ्रिज में रखा रहा था, फ्रिज में जो रखा हो तो उसको मिरिंडा बोलते हैं, मिरिंडा। साहब अगर आप कुछ भी नहीं लेंगे, पानी भी नहीं पियेंगे और ठंडा भी नहीं पियेंगे, तो ठंडा तो मेरे पास है भी नहीं, मेरा पड़ोसी है, क्या बोल जाए, इसके बात में आप मत आना। ऐसा है मेरे पास रहो, कहिए साहब मैं जिस काम के लिए आया हूँ वही काम कर दो बस। सरकार आप किस काम के लिए आए हैं आप बतलाइए सरकार। मैं आज चौधरी साहब का जो 25,000 रुपया कर्ज है वही लेने के लिए आया हूँ। क्या सरकार आज आप चौधरी साहब की दी हुई रकम को आप लेने के लिए आए हैं? जी हाँ। लेकिन सरकार आज तो मेरे पास एक पैसे भी नहीं है, हाँ तो मैं आपके पैसे वापस नहीं कर सकता सरकार। अर्जुन जी सरकार, अगर कर्ज लिए हो तो कर्ज देना पड़ेगा। मैं इनकार कह रहा हूँ सरकार, अगर कर्ज लिए हो तो कर्ज देना पड़ेगा, अन्यथा जानते हो चौधरी साहब का ताला तुम्हारे घर लग जाएगा। नहीं 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 सरकार, ऐसा जुल्म न ढाइए सरकार, आखिर बतलाइए, मैं अपने इस परिवार को लेकर अपना सर छुपाने कहां जाऊंगा सरकार? ये देखिए सीन को देखते हुए ये हमारे अर्जुन भैया के काम पर खुश होकर राज बहादुर ग्राम सभा ढकवा से चल गए हैं, 11 रुपए के पुरस्कार देते हैं, ये हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया एवं अभिनंदन और वंदन करते हैं। सरकार मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए हुजूर, कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। अर्जुन मैं तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हें मैं एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ। क्या सरकार आप मुझे एक हफ्ते का समय दे रहे हैं? जी हाँ। अरे नहीं नहीं सरकार, अरे आप जरा सोचिए, एक हफ्ते में मैं कौन सा जादू कर लूंगा सरकार, कौन सा करिश्मा कर लूंगा, कौन सा पहाड़ खोद लूंगा सरकार, आप मुझे कम से कम 1 महीने का वक्त दे दीजिए। 1 महीने का? हाँ हुजूर। चलो ठीक है, चौधरी साहब का तो आदेश नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से, अच्छा सरकार अपनी तरफ से तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ, लेकिन लेकिन उसमें यह है, लेकिन क्या, 1 महीना बीतने के मैं दूसरे दिन आऊंगा सरकार, तो पूरी रकम चाहिए। हुजूर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब अबकी बार आप मेरे द्वार पर आएंगे तो शायद आपको मेरे घर से खाली हाथ न जाना पड़े। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, 1 महीना बीतने के बाद ही आऊंगा। जी सरकार, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। रामचंद्र जी हाँ भैया, देख लिया ना? जी हाँ भैया, आखिर जो मेरे दिल की सोच थी, जो मेरे दिल और दिमाग में बातें घर कर रही थी, जी हाँ भैया, जो बातें मुझे बार बार कुरेद रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, वही हुआ ना? जी हाँ भैया हुआ। तो क्या
सुल्तान सिंह को आज ही आना था, क्या चौधरी साहब को सुल्तान सिंह को आज ही भेजना था, लेकिन देखिए ना 3 साल गुजर गए हैं, ये भी जमींदार हैं, ये भी सोचते होंगे कि मैं पैसा दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ये तो बात सही है भाई। बोले ना कि अगर मैं पैसा नहीं देता हूं तो मेरे घर में वो ताला लगा देंगे। ताला लग जाएगा। लेकिन चलो, कारिंदा बड़ा शील स्वभाव का लग रहा था सुल्तान सिंह, उसने मुझे 1 महीने की मोहलत दे दी। जी हाँ भैया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और कोशिश करूंगा कि 1 महीने में शायद उनके रकम का इंतजाम हो जाए। लेकिन रामचंद्र, हाँ भैया, सोचा तू हूँ, लेकिन अगर मैं किसी के पास पैसे मांगने जाऊँ ना तो मुझे गरीब जानकर कोई 1 पैसे देने के लिए राजी नहीं होगा। जानते हो इस जमाने का दस्तूर है, जिसके पास पैसे होते हैं, जिसका भरा होता है, लोग उसे और भरते हैं, और जिसके पास नहीं होता है, जो मजबूर होता है, उसकी तरफ कोई निगाह उठा के देखना भी नहीं पसंद करता। ये तो बात सत्य है भैया। लेकिन रामचंद्र, जी हाँ भैया, मैं उस परमपिता परमेश्वर से रचना वंदना करता हूँ कि मालिक, अगर किसी को बहन दो, किसी को बेटी दो, तो उसे तो इतना मजबूर मत बनाओ, उसे तो इतना कमजोर मत बनाओ प्रभु, उसे तो दौलत दो, नहीं तो किसी भी गरीब बेचारे की मेरी तरह बेटी हो, बहन हो, ख्वारी रह जाएगी और समाज में उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी।